एक बाल्टी जो नीचे से टूटी हुई है उसमें एक बहुत बड़ा छेद है, क्या उसमें कभी पानी रुक सकता है? नहीं, पृथ्वी का अंत होने तक चाहे पूरे विश्व का पानी भी रात दिन उस बाल्टी में डाला जाए तब भी वो बाल्टी कभी नहीं भर पाएगी। कहीं आपका मन और शरीर उस बाल्टी और पानी की तरह तो नहीं है? सालों से आप आराम करते आए हो और सालों से काम चोरी करते आ रहे हो, सालों से गलत आदतों से घिरे हुए हो, लेकिन हमेशा यही सोचते हो कि आज मन भर के अंतिम बार इस काम को कर लेता हूँ, कल से मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ कि ये काम बंद। लेकिन कहीं आप भी उस बाल्टी को भरने में तो नहीं लगे हो जो अंदर से टूटी हुई है और जिसमें पानी नहीं रुक सकता? अपने मन को आप जितना मर्जी भर लो, अंत में ये खाली का खाली ही रहेगा। मैं आपको एक महीने का समय देता हूँ, एक महीने तक मन भर के सो लो और मन चाहे काम कर लो, लेकिन क्या एक महीने बाद आप सुधर जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप उस बाल्टी को भरने की कोशिश कर रहे हो जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह आप गलत और फालतू काम करके ये सोचते हो कि कभी ना कभी मन भर जाएगा और मैं एक दिन सुधर जाऊंगा, लेकिन मन कभी नहीं भरता। भले आपको 10 साल लगे, 100 साल लगे या 1000 साल, भले आपको 1000 साल का समय ही क्यों न दे दिया जाए, आपको अपने जीवन को समझना होगा कि ये मन की बाल्टी या इच्छा कभी नहीं भर सकती। इसलिए मन के हिसाब से जीना बंद कर दो, जरूरतमंद कामों को टालना बंद कर दो। ये बात अभी समझ लो या 5 साल बाद समझ लेना या सब बर्बाद करने के बाद समझ लेना कि मन कभी गलत कामों और काम चोरी करने से नहीं भरने वाला, क्योंकि ये मन की प्रवृत्ति है। इसीलिए जो एक्शन लेने हैं अभी और इसी वक्त लो, क्योंकि मन फिर से आपको काम चोरी पे लगा देगा कि कल से करेंगे, लेकिन अब आपको मन की चालाकियों को समझ लेना होगा। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर